ये वही गांव है टपका किशनपुर गांव, जिस गांव में एक गांव में चार परिवार से चार लोगों की मौत हुई थी महाराष्ट्र में मजदूरी करने के दौरान। और अभी अभी जस्ट इस गांव में वो चारों लाश आया था, जिस लाश को अंतिम यात्रा के लिए भेज दिया गया है, रोका नहीं गया है। क्यों? क्योंकि लाश की स्थिति ऐसी थी, लाश से इतनी बदबू आ रही थी कि उसे रोकना बिल्कुल ठीक नहीं था। भैया अभी अभी लाश आई है ना यहाँ पे? हाँ, अभी चार अभी। चार परिवार से चार लोगों की मौत हुई है। हाँ, चार है। कितना दिन पहले मौत हुआ था? चार दिन पहले मौत हुआ था। चार दिन हो गया और चार दिन के बाद अब ये लाश यहाँ पे पहुंच पाया है। मैं बता दूं कि ये स्थिति आगे से चलिए ऐसी भयानक स्थिति यहाँ पे थी कि मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि लाश आते ही सभी लोग बेचैन हो गए थे। और आप सोच सकते हैं कि लाश आने के बाद जिस परिवार का वो लोग होंगे, जिस परिवार के वो सदस्य होंगे, उनका क्या हालत हुआ होगा। तो ये तमाम स्थिति जो आप देख रहे हैं बहुत ही भयानक है, बहुत भयानक है। मैं बता दूँ कि हमारे बिहार में जो स्थिति है ना, रोज़गार की स्थिति, लोग कहने के लिए कह देते हैं कि बिहार में सब कुछ है, लेकिन बिहार में सब कुछ होते हुए भी रोज़गार की ये स्थिति है, जिस बिहार से लोगों को दूसरे राज्य जाना पड़ता है मजदूरी करने के लिए। यहाँ पे मजदूरी वो नहीं कर सकते हैं, और उस मजदूरी करने के दौरान जब उनकी मौत होती है, किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, तो उस दुर्घटना में आप सोच सकते हैं कि दुर्घटना में जब उनकी मौत होती है तो इतना समय लगता है, चार दिन लगता है उस लाश को यहाँ पे पहुँचने में। क्या स्थिति है हमारे बिहार में? क्या सरकार उसके लिए व्यवस्था नहीं कर सकती थी क्या? तो ये स्थिति लगातार बनी हुई है। अभी अभी लाश आया है क्या माता जी? अभी आया है? हाँ, अभी तो रहता कितना है। दिन पहले मौत कितना दिन पहले हुआ था? पांच दिन हुआ हाँ। था। चार लोग यहाँ से, मतलब एक ही हाँ, गांव के चार लोगों चार की मौत लोग, हुई है हाँ। ना, काम करने के लिए वो बाहर गए हाँ, मजदूर गरीब थी तो क्या करते, गरीब मजदूरी करने हाँ। के लिए गए थे। तो मजदूरी करने के लिए सोचिए कि बिहार से बाहर जाना पड़ता है, ये स्थिति हमारे बिहार में है। और सरकार की इस पे कितनी नज़र है ये आप सभी लोग जान रहे हैं, रोजगार के लिए वो कितना कोशिश कर रहे हैं वो सभी लोग जान रहे हैं। क्या नाम हो चाचा आपका? जयदेव झा। अभी अब सब लाश यहाँ पे आया है ना जी, देख रहे हैं चाचा की आंखों में आंसू है और रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस गांव से, अब मैं बता दूं कि इस गांव में जो हालात हुआ है, अभी इस गांव में जो स्थिति है उसका केवल हम आप कल्पना कर सकते हैं, और जो भुगत रहे हैं उन पे क्या बीत रहा होगा। जिस व्यक्ति को मरे हुए चार दिन हो गया और चार दिन के बाद उस लाश को वो देख पाए हैं, ये स्थिति है। लाश का जो पोजीशन था वो देखने लायक नहीं था। तो ये स्थिति अभी लगातार बनी हुई है, चारों लाश को अंतिम यात्रा के लिए भेज दिया गया विलंब ना करते हुए, क्योंकि लाश की स्थिति ही वैसी बनी हुई थी। तो पूरा गांव आज गम में डूबा हुआ है, कि सबके चेहरे पे आंसू है, सबके आंखों से आंसू गिर रहा है, क्योंकि स्थिति ही ऐसी है। बाकी बिहार को लेकर, बिहार सरकार की ऐसी व्यवस्था को लेकर, बिहार के रोजगार को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।